एक व्यक्ति चढ़ाई की नीति से व्यापार करती है उसको व्यक्तिक उत्थान कहते हैं, और जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको संभुया समुत्थान कहते हैं। व्यापार में केवल ऊपर लिखा चरित ही कार्य नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकार का उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है। पाठक इसका उत्तम विचार करें। व्यापार के विरोधी पहला सातघन अर्थात सात लाभ का नाश करने वाले जिनके कारण व्यवहार में हानि होती है, मंत्र संख्या 5। दूसरा सातघन देव लाभ का नाश करने वाले जुएबाज खिलाड़ी, इस धातु से यह देव शब्द बना है, व्यवहार में हानि होने वाली आदतों वाला मनुष्य, मंत्र संख्या 5। 3 परिपंथिन अर्थात बटमार चोर लुटेरे, मार्ग पर ठहर कर आने जाने वालों को जो लूटते हैं, मंत्र संख्या 1। 4 मृग पशु पशु भाव वाला मनुष्य, मंत्र संख्या 1। 5 अराती ही अर्थात कंजूस दान ना देने वाला, मंत्र संख्या 1। 6 कन्या अर्थात धनम अर्थात व्यापार के लिए जितना धन चाहिए उतना ना होना, धन की कमी, मंत्र संख्या 5। इनके कारण व्यापार व्यवहार में हानि होती है, इसीलिए इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। व्यापार व्यवहार करने में जो विघ्न होते हैं उनका विचार इन शब्दों द्वारा सूक्त में किया है। पहले विघ्नहारी सातघन देव हैं। पाठक देवों को यह विघ्नहारी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु वैसा भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव शब्द के अर्थ जुआरी खेल में समय बिताने वाला ऐसा भी होता है। यह अर्थ दिव धातु का जुआ खेलना अर्थ है उस धातु से सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मों में खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियों को भी डुबो देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापार में हानि करने वाले होंगे उन व्यवहारों को करने वाले सातघन देव समझना यहाँ उचित है। लाभ का नाश करने वाले व्यवहार करने वाले लोग यहाँ इसका शब्दार्थ है। देव शब्द व्यवहार करने वाले इस अर्थ में प्रचलित हैं। परिपंथी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि जो लोग कुमार्ग से जाने वाले हैं सीधे राजमार्ग से ना जाते हुए अन्य कुमार्ग से जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विशेषकर यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है। व्यापार का मूल धन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापार में लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए पंचम मंत्र की सूचना की माँ कन्या मंत्र 5 अत्यंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यापार लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धन की कमी के होने के कारण वे नुकसान करने वाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्ति से या बुद्धि की कुशलता से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कमी हर एक प्रसंग में रुकावटें उत्पन्न करने वाली होती हैं। व्यवहार करने वाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें। दो मार्ग व्यापार करने के लिए देश देशांतर में जाना आवश्यक होता है, अन्यथा बड़ा व्यापार होना अशक्य है। देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने के लिए उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिए। देश देशांतर में जाने के कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई भयदायक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको देवयानः पंथानः मंत्र संख्या 2 कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिन पर देवता सदर्श लोग आते जाते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित होते भी हैं। ऐसे मार्ग पर लूटपाट नहीं होती। व्यापारी लोग अपना माल सुरक्षित रीति से ले जाते हैं और ले आते हैं। जहां आने जाने के ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है। दूसरे मार्ग राक्षसों असुरों और पिशाचों के होते हैं जिन पर इन निशाचरों का आना जाना होता है। यही परिपंथी अर्थात बटमार चोर लुटेरे बनकर सार्थ बाहों को लूट देते हैं। इन मार्गों पर से आने जाने से व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता, इसीलिए जहाँ के मार्ग सुरक्षित ना हो वहाँ के मार्ग सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न होना आवश्यक है।
वाणिज्य की वृद्धि करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। व्यापार अच्छी प्रकार होने के लिए दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि मार्ग में जहाँ जहाँ मुकाम करना आवश्यक हो वहाँ खान पान के पदार्थ मन के अनुकूल सुगमता से मिलने चाहिए। रहने सहने और खान पान आदि का सब प्रबंध बना बनाया रहना चाहिए। उचित धन देकर रहने का प्रबंध बिना आयास होना चाहिए। इस विषय में द्वितीय मंत्र देखिए। वे देश देशांतर में जाने आने के मार्ग मुझे सुखपूर्वक दूध घी आदि उपभोग के पदार्थ देने वाले हों, जिससे मैं क्रय विक्रय आदि करके धन कमाने का व्यवहार कर सकूं। बात तो साफ है कि यदि देश देशांतर से भ्रमण करने वालों को भोजन आदि का सब प्रबंध अपना स्वयं ही करना पड़े तो उसका समय उसी में चला जाएगा, अनेक कष्ट होंगे। विदेश में स्थान का परिचय ना होने के कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करने में ही व्यर्थ समय चला जाएगा। इसीलिए मंत्र के कथनानुसार मार्ग ही उपभोग के पदार्थों से तैयार रहेंगे तो अच्छा है। यह उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यापार वृद्धि के लिए सर्वत्र इस प्रबंध के होने की अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञान युक्त कर्म, हर एक कार्य ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। इस विषय में तृतीय मंत्र का कथन अत्यंत विचारणीय है। दिव्य बुद्धि और कर्म शक्ति का ज्ञान से सत्कार करता हुआ मैं सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी बनता हूँ। यहाँ का घी शब्द प्रज्ञा बुद्धि और कर्म शक्ति का वाचक है। ज्ञान पूर्वक हर एक कर्म करना चाहिए। जो काम करना हो उस विषय में जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है उतना पहले करना और पश्चात उस कार्य का आरंभ करना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धि का सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धि के लिए आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किए कार्य में रुचि स्थिर होनी चाहिए। उस कार्य में रुचि स्थिर होवे यह बात अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कई लोगों की ऐसी चंचल वृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथ में लेते हैं और परसों पांचवें का विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर भक्ति, सब कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस विषय में सप्तम और अष्टम मंत्रों का कथन बड़ा माननीय है। ईश्वर की नम्रता पूर्वक स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसी की शक्ति द्वारा सबकी रक्षा होती है। प्रतिदिन नियत समय पर उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे वह सब काम धंधे में यश देगा और धन पुष्टि सुख आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण सिद्धियों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त होता है।